आज हम बनाएंगे बेथुआ की सब्जी एकदम नए तरीके से। बथुआ की एकदम नई रेसिपी आज मैं शेयर कर रही हूँ, जिसमें स्वादिष्ट तो है ही बथुआ की सब्जी, बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, पहलाक, आप सभी को स्वागत है आपका सुजाता किचन में। आएंगे बथुआ की सब्जी, उसके लिए मैंने यहाँ पे बथुए को साफ करके धो लिया है। साफ बथुए को धो के इसका पानी निकाल लेना है। एक बंच लेंगे, बथुए को कट कर लेंगे। बथुआ को काट के प्लेट में रख लेते हैं। मिक्सर जार, दो प्याज अपनी चॉप किया है, 1 इंच अदरक, कुछ लहसुन की कलियां, दो हरी मिर्च जिन्हें मैं काट के डाली हूँ। अगर आपको थोड़ा ज्यादा पसंद है तो आप मिर्च यहाँ पे बढ़ाकर ले सकते हैं। अब सभी चीजों को दरदरा पीस लेते हैं। सभी चीजों को हमने दरदरा पीस लिया है, आप चाहे तो इन्हें चॉपर में भी दरदरा कर सकते हैं। अब बथुआ ले लिया है हमने, और प्याज का जो अभी हमने पेस्ट तैयार किया है वो 2 चम्मच हम यहाँ पे डाल देंगे। नमक जाएगा स्वाद अनुसार। सीजनिंग के लिए लिया है यहाँ पे बेसन, 4 चम्मच बेसन मिला लेते हैं। अब लेंगे यहाँ पे थोड़ा पानी, 2 चम्मच के करीब पानी लेंगे, और इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। तो अगर डो भी हमने तैयार कर लिया है, गैस में कढ़ाई चढ़ा ली है। अब ये लेते हैं यहाँ पर तेल, 1 चम्मच तेल। तेल गर्म हो जाए गैस की फ्लेम को लो करना है, और लेना है 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग, 4 काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा। सभी चीजें भून जाए फिर लेना है प्याज वाला पेस्ट। मिक्स करते हैं और भून लेते हैं आधा मिनट। एक हरी इलायची डालेंगे तोड़ के, इसके बीज निकाल के डालने हैं, मिलाते हैं। अब लेते हैं टमाटर की प्यूरी। अब गैस की फ्लाई कर लेते हैं और टमाटर को 2 सेकेंड के लिए भून लेते हैं। टमाटर का कच्चापन खत्म हो जाए इतना ही हमें चलाना है। अब लेते हैं यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक जाएगा स्वाद अनुसार, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर या देगी मिर्च। मसाले को भी हल्का सा भून लेना है 2 से 3 सेकेंड। मसाले भून लेने के बाद लेना है यहाँ पर पानी, 1 कप पानी। मसालों को हमें पकाना है, गैस की फ्लेम को लो करना है, और इसके ऊपर लगनी है जाली। मैंने ढक्कन लगाने वाली जाली है, या कोई भी स्टैंड ले सकते हैं यहाँ पर। और जाली के ऊपर से तेल लगा लेना है। जो हमने बेथुआ का डो तैयार करके रखा है, छोटी छोटी गोलियां तोड़नी है और जाली के ऊपर रख लेनी है। तेल हमने इसलिए लगाया है बॉल्स आसानी से निकल जाए। सारी बॉल्स को हम रख लेते हैं जाली के ऊपर, फ्लेम लो और कवर कर लेते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद ढक्कन को उठा लेते हैं और बॉल्स को देख लेते हैं। ये देखिए बॉल्स आसानी से उठ रही हैं। हमने इसमें तेल लगाया था तो ये बिल्कुल आसानी से निकल भी रही हैं। प्लेट को हटाते हैं, मसाला भी देख लेते हैं। मसाला भी हमारा अच्छे से पक चुका है। सारी बॉल्स को डाल लेते हैं मसाले के ऊपर। सभी बॉल्स को मसाले के साथ मिला लेते हैं। फ्लेम को हाई करते हैं और यहाँ पे लेते हैं पानी, मिलाते हैं। देखिए अभी से देखने में कितनी अच्छी लग रही है। थोड़ा सा धनिया पत्ती डालते हैं। हाई फ्लेम में कवर करते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद सब्जी को देख लेते हैं। बथुआ की सब्जी बनके तैयार है। गैस को बंद कर लेते हैं, हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए सब्जी में। अगर आपको थोड़ा और ग्रेवी चाहिए तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी, गर्म पानी ले सकते हैं। बथुआ की सब्जी को आप
रोटी के साथ, पराठे के साथ, राइस के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सभी के साथ अच्छी लगती है और बनाने में आपने देखा बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है। एकदम नए तरीके की बथुआ की सब्जी की रेसिपी मैंने शेयर की है आपके साथ। आशा करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी को ट्राई करें, बहुत अच्छी लगी तो रेसिपी को शेयर करें फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें, उससे आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।